उत्तराखंड में पिछले दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई अगर इलाकों की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे NH 24 पूरी तरह से बंद पड़ा है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां फंसी पड़ी है। दरअसल बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग पर लामबगड़ के पास जरा सी भी बारिश होने से लैंडस्लाइड हो रहा है और पूरा मलबा हाईवे पर आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और 40 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन NH 24 पर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही अच्छे से शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से रास्ते में फंसे यात्रियों को जंगल के रास्ते निकाला जा रहा है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक मौसम साफ होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर जंगल के रास्ते लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, वैसे लोग जो फंसे पड़े हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तस्वीर NH 24 का हाल आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, आवाजाही अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद। गाड़ी बात कर आए थे, रास्ते में कुछ पुल का प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से पैदल रास्ता ले रहे हैं। चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, ऑब्वियसली परेशानी तो होगी, बच्चे हैं छोटे छोटे साथ में। रास्ता पूरा खराब हो चुका है, 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड पूरा टूट चुका है लैंड स्लाइडिंग की वजह से। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये ट्रैकिंग वाला रास्ता दिया गया है, ये काफ़ी 3-4 किलोमीटर का पहाड़ है, इसको चढ़ के हम लोगों को उस साइड जाना है, वहाँ से फिर बद्रीनाथ के लिए हमें अपना ट्रैवल के थ्रू और आगे मूव करना है।